तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं प्रोजेक्ट आईजीआई। तो इस गेम के पिछले वीडियो में हम लोग ने इसका जो फिफ्थ मिशन था रेडार बेस, उसे कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग इसका सिक्स्थ मिशन खेलने वाले हैं जो है गेट प्री बॉय। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे अपना जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है और सामने सामने मुझे एक बंदा दिख चुका है। तो उसको मैं यहीं से अपनी गन की स्कोप से डाउन कर देता हूँ और अब हम लोग चलते हैं आगे की साइड में। भाई वहाँ पे एक बंदा नहीं, दो से तीन बंदे थे और भाई वो सब भागते हुए बाहर के साइड में आ गए हैं। तो पहले मैं कवर ले लेता हूँ, उसके बाद इन दोनों बंदों को आराम से डाउन करते हैं। तो एक बंदे को मैंने वहाँ पे डाउन कर दिया है और वहाँ पे बस एक और बंदा है जिसने मुझे देख लिया है। अब मुझे उससे भी आराम से डाउन करना होगा। तो दोनों बंदों को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे के साइड में और सामने के साइड में एक कैमरा है जिससे बच के अभी हम लोग चलते हैं अंदर के साइड में। ओके, तो यहाँ से कैमरा का भी जो फेस है वो उस साइड है। तो हम लोग जल्दी से इस गेट को खोल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक बंदा है जिसको भी यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। और एक गेट को, इस गेट को खोलने से पहले अपनी गन रिलोड करते हैं। जैसे कोई बंदा होता है तो उसको मैं यहाँ पर डाउन कर दूंगा, बट यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत तगड़ी गन रॉकेट लॉन्चर मिल चुका है जिसका नाम है लॉ 80। तो भाई सामने एक बंदा है भाई जिसको मारते ही यहाँ पे अलार्म स्टार्ट हो चुका है। भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे अलार्म स्टार्ट हो गया, बट इस बटन से वो जो अलार्म है वो बंद नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को पहले गेट खोल के कोई और बटन को देखना पड़ेगा जिससे ये अलार्म मैं बंद करूँ। इसी कैमरा की वजह से अलार्म स्टार्ट हुआ है। तो सामने के साइड में एक बंदा है जो मुझे देख चुका है। पहले मैं यहाँ पे कवर लेता हूँ, वहाँ पे एक और बंदा है। तो पहले इस बंदे को यहाँ पे मैं डाउन करता हूँ, उसके बाद वहाँ पे जो बंदा है उसे भी डाउन करते हैं। और भाई साहब जो अभी अलार्म स्टार्ट हुआ है उसकी मदद उसकी वजह से जो टैंक है वो बाहर के साइड में आ चुका है। और यहाँ पे जो हम लोगों को रॉकेट लॉन्चर मिला है वो उसी टैंक को ब्लास्ट करने के लिए मिला है। तो वन मिनट, पहले मैं इसके ऊपर चलता हूँ और यहाँ से इस कंटेनर के ऊपर चलते हैं और सामने के साइड में कंटेनर पे जंप करके हम लोग चलते हैं इस दीवार के उस साइड। उससे पहले वहाँ पे एक बंदा है, इसको पहले यहाँ पे मैं डाउन करूँ। भाई वो वहीं से मुझे देख लिया था और सामने के साइड में जो टैंक है वो आगे के साइड में है। तो पहले एक जंप करके मैं इस साइड, ओके वन मिनट, मैं नीचे गिर चुका हूँ। मुझे फिर से सारे कंटेनर के ऊपर जाके फिर से जंप करना होगा। वन मिनट, तो ओके अब मैं आ चुका हूँ इस साइड में और यहाँ पे हम लोगों को एक और रॉकेट लॉन्चर मिल चुका है। तो अब मेरे पास दो दो रॉकेट हैं। तो सामने के साइड में एक जो टैंक है उसे मुझे ब्लास्ट करना होगा। उससे पहले यहाँ पे एक बटन है जिससे ये अलार्म जो है बंद हो चुका है। भाई ये अलार्म मेरे कान का, भाई मेरा पूरा कान फाड़ के रखा था ये अलार्म। और सामने के साइड में हो रहा टैंक, तो उसको मुझे अपने रॉकेट लॉन्चर से ब्लास्ट करना होगा। तो उससे पहले, ओके भाई वो हम लोगों को पहले से देख के रखा हुआ है। तो मुझे जल्दी से जाके सामने के साइड में उसके फायर करनी होगी और वहाँ पे जो टैंक है वो ब्लास्ट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे के साइड में और यहाँ पे मेरे पास इस रॉकेट लॉन्चर में एक और एमओ है। ऊपर के साइड में कैमरा है जिसको मैं यहाँ पे डाउन करता हूँ और उसके बाद ये जो गेट है इसे खोलते हैं। ओके, ये हम लोगों को अनलॉक करना पड़ रहा है। सामने के साइड में एक बंदा है, उसे भी मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों को एक मेडी पैक मिल चुका है। और अंदर के साइड में भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये क्या आवाज़ कर रहा है, ये गन्स की आवाज़ है जो ये सारे बंदे आराम से मिलके चला रहे हैं। तो वन बाई वन जितने भी बंदे हैं उन सबको मैं डाउन करता हूँ। तो एक बंदा डाउन हो चुका है, एक और डाउन हो गया। वहाँ पर दो बंदे आपस में ही बात कर रहे हैं, इन दोनों को डाउन कर देता हूँ। जो भाई वो दो बंदे बात कर रहे थे ना, उसके सामने मैं उस बंदे को डाउन किया और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चला कि मेरे सामने जो बंदा है वो डाउन हो चुका है। यहाँ पे एक और बंदा था जिसको मैंने डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी एमोज और गन है वो मैं ले लेता हूँ। वन मिनट, यहाँ पे मुझे एक बहुत तगड़ी गन जैक हैमर मिल चुका है जो भाई बहुत तगड़ी शॉट गन है। और यहाँ पे जितने भी एमओ और यहाँ पे मुझे कुछ सी फोर्स मिले हैं जहाँ तक है मुझे आगे काम आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सामने के साइड में यहाँ से बाहर निकल के, क्योंकि अपना जो अंदर काम था वो हो चुका है। और सामने के साइड में भाई दो से तीन बंदे हैं, तो वन बाई वन करके अपने स्नाइपर गन से उन सबको डाउन कर देता हूँ। और तीनों बंदों को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है। और यहाँ पे इस साइड में एक वेयर हाउस है जिसके अंदर मुझे जहाँ तक लग रहा है बंदे ही बंदे भाई भरे पड़े हैं। तो वहाँ पे मैं बाद में जाऊँगा। तो अभी यहाँ पे कैमरा है जिससे बच कर, ओके वन मिनट, ये मुझे डिटेक्ट कर ले रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर के साइड में। यहाँ पे एक बंदा है, इसको भी यहाँ पे मैं डाउन करता हूँ।
और ये जो गेट है इससे अनलॉक करके हम लोग चलते हैं अंदर के साइड में, और यहाँ पे ये जो बंदा यहाँ पे डाउन हुआ है उसकी गन ले लेते हैं और ये गेट खोल के अब हम लोग चलते हैं नीचे के साइड में, क्योंकि अपना जो पहला टारगेट है वो नीचे के साइड में है। तो यहाँ से मैं स्लाइड करते हुए नीचे चलता हूँ और ये जो मशीन है यहाँ पर मुझे क्लिक करना है और अपना जो पहला टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर। तो अभी मैं इस वेयर हाउस के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि इस वेयर हाउस के अंदर मुझे दो से तीन बंदे दिखे थे, तो मेरे पास एक ट्रिक है। इस वेयर हाउस के गेट पे मैं गन फायर करूँगा जिससे जो अंदर जो बंदे हैं वो सब भागते हुए बाहर के साइड में आएंगे और उन सबको मैं एक साथ डाउन कर दूंगा। तो इस वेयर हाउस के अंदर टोटल तीन बंदे थे, तो तीनों को मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय मेरा मतलब डाउन कर चुका हूँ। और यहाँ पर मेरे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली माइंस हैं जिससे हम लोग कहीं भी इस माइंस को लगा दें तो कोई भी गार्ड या कोई भी आदमी इसे डिटेक्ट होता है तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। और ये वेयर हाउस के अंदर की दिक्कत क्या है कि इसके अंदर जो गार्ड्स हैं वो वन बाय वन स्पॉन होते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली माइंस लगा दी हैं। जैसे कोई बंदा स्पॉन होता है वो बाहर के साइड में आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली माइंस जो हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर के साइड में, और भाई साहब आप लोगों को दिख ही रहा होगा जो सामने वेयर हाउस में मैंने अप्रॉक्सीमेटली माइंस लगा के आए हैं वो वन बाय वन ब्लास्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है जो गार्ड्स हैं वो वहाँ पे स्पॉन हो रहे हैं। दो माइंस ब्लास्ट हो चुके हैं और एक और माइंस है उससे ब्लास्ट होने से पहले मैं ऊपर आ चुका हूँ। सामने खड़े बंदे जो हैं बाहर के साइड में आ रहे थे, जो अप्रॉक्सीमेटली माइंस जो लास्ट था वो भी वहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है। और कोई तो गार्ड्स मुझे लग नहीं रहे अभी, और कोई गार्ड वहाँ पे स्पॉन ना हो जाए उससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ इस रस्सी की मदद से। और सामने के साइड में एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और भाई बंदे तो वहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। सही टाइम पे मैं यहाँ से भाग चुका हूँ और वहाँ पे अपना काम हो चुका है। ये रहा हेलीकॉप्टर जो भाई उस साइड जा रहा है, उस साइड अपना काम हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे के साइड में। तो यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ, अब हम लोग चलते हैं नीचे के साइड में। ओके वन मिनट, गलती से मैं ऊपर आ गया, मुझे यहाँ से नीचे जाना है। तो अब हम लोग पहले चलते हैं नीचे के साइड में स्लाइड करते हुए, और सामने के साइड में एक वेयर हाउस है जिसमें से भाई बंदे भाई भागते हुए बाहर आ रहे हैं। मैं अपने आप चेक कर लेता हूँ, एक फोर्टी सेवन क्राउच करके जो दो बंदे हैं दोनों को कम यहाँ पर डाउन करता हूँ। दोनों बंदे जो हैं यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। तो अब हम लोग को सामने के साइड में जो आपको बेस दिख रहा है उसके अंदर जाना है, चलते हैं जल्दी से। ओके गाइस यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं और सामने के साइड में आप लोगों को दो दो कैमरा दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग आगे के साइड में नहीं जाना है, ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है इसके पीछे हम लोगों को जो C4 मिला था वो प्लांट लग करना है इन दोनों को ब्लास्ट करने के लिए। तो पहले मैं इन दोनों के ऊपर जो है C4 प्लांट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से जल्दी से भाग निकलता हूँ क्योंकि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ से जितना दूर जा सकता हूँ यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि इसके पास मैं रहा और ये ब्लास्ट हो गया तो आप लोग जानते हो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और ये जो है बस ब्लास्ट होने वाला है। ओके मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, ये जो है ब्लास्ट कर देते। ओके ये यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है और यहाँ पे अपना जो सेकंड टारगेट था वो भी कम्प्लीट हो चुका है। सामने के साइड में आप लोग को एक ब्लैक कलर की लिमोजिन दिख रही होगी, ये जो है आगे के साइड में जा रही है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस जंप करके इसके अंदर आना है और सामने जो आप लोगों को पूरा एरिया मैं मतलब सामने जो दिख रहा है हम लोगों को इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाने के पहले मैं एक गन ले लेता हूँ और सामने सामने एक बंदा है उसे डाउन करके सामने एक और बंदा है तो उसे भी यहाँ पर मैं साइड से डाउन कर देता हूँ। उसका ध्यान नहीं है बट वो मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो ये बंदा भी यहाँ पे बस डाउन हो गया। ओके ये बंदा भी यहाँ पर डाउन हो चुका है। ओके भाई साहब ये बंदा कहाँ से आ गया? ओ बच गया मैं। यहाँ पर ये भी डाउन, ठीक। और कोई यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे दो दो गेट हैं, इन दोनों के अंदर मैं जाऊँगा। पहले मैं इन सब की गन ले लेता हूँ। सामने एक बंदा है,
इसके भी बोर्ड गंदी था, गंद पड़ी है, और उसको भी मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया। सामने खड़ा भाई जो कैबिनेट है, इन लोगों को शायद मुझे चेक करना है, तो मैं जितने भी कैबिनेट्स हैं सब कुछ चेक करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। तो इसके अंदर भी जो है कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ समझे थे ओके ये तो बाहर का रास्ता है, और इस साइड में भी कुछ नहीं था, और यहाँ पे भी कुछ रखा तो नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर के साइड में। ओके ये वही गेट है ना, मुझे मालूम था, मुझे लगा ओके भाई ये आ गया मैं अलग एरिया में। और सामने साइड में एक और बंदा है, ऊपर के साइड में भी बंदा है, नीचे वाला बंदा भी डाउन कर दिया है, बट एक और बंदा था। ओके ये बस वन मिनट में गन रिलोड नहीं है, ये भी एचपी। ओके भाई मैं मरते मरते बचा, मेरी एचपी देखो यार, ये मेरे ऊपर गंदी था दो दो बार बचा के बैठी। और ये भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो अभी यहाँ पे नहीं था। ओके कोई बात नहीं, बट अभी मेरे पास सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास थोड़ी बहुत मेडी पैक बची है, उसे लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे एक साइड में, बस इतनी ही ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वही गन ले लेते हैं इन सबको मारने के लिए जो ये सब गन चला रहे हैं। ओके यहाँ पे मेरे पास जैक हैमर है, और इतनी तगड़ी गन है मेरे पास कि पूछो मत। और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर साइड में, और यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगा कुछ तो काम का चीज़ होगा, अपने इसकी भी गन लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी कैबिनेट्स हैं सब हम लोग वन बाई वन चेक करते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर तो कुछ नहीं थी, और यहाँ पे अपना जो मिशन है कंप्लीट हो चुका है। तो वन मिनट, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आया कि जो ब्लैक कलर की लिमोजिन में जो आदमी जा रहा था उसे कुछ बंदों ने घेर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई वो जो बंदा है बहुत बुरी तरह फंस चुका है, बट यहाँ पे अपना जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ओके गाइज, यहाँ पे अपना जो मिशन था वो तो कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे लास्ट का जो सीन था वो समझ नहीं आया था भाई, लास्ट में किस बंदों ने किस बंदे को अरेस्ट कर लिया था वो मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, बट कोई बात नहीं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग।